आप देख रहे हैं अपना खबर और मैं हूं विकास कुमार। जिला परिषद क्षेत्र 29 से जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार नथुनी राम ने डेहरी अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन पर्चा दाखिल करने के पहले अपने गांव में मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। नामांकन से पहले गाँव में क्षेत्रों में घूमकर बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर नामांकन करने अनुमंडल कार्यालय पहुँचे। नामांकन कर अनुमंडल कार्यालय के परिसर से बाहर निकलते ही समर्थकों ने फूल और माला देकर उनका स्वागत किया एवं जीत के नारे लगाए। कई समर्थकों ने उनको जीत की अग्रिम बधाई दी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्रों में कहीं न कहीं सब जगह कार्य हुआ है, परंतु कोरोना काल को लेकर या सरकार के द्वारा दी जाने वाली कोरोना काल में कटौती कर राशि को लेकर कहीं कार्य कम हुआ है, परंतु अगले कार्यकाल में सभी स्थानों पर कार्य किया जाएगा। भ्रमण के दौरान उन्होंने सभी बड़े बुजुर्गों से जीत का आशीर्वाद मांगा। वहीं बड़े बुजुर्गों ने पुनः फिर से एक बार जिला परिषद सदस्य बनने का आशीर्वाद दिया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने क्या क्या, आइए सुनते हैं। तो आप देख रहे हैं अपना खबर से मौजूद है, आज आपके द्वारा नामांकन किया गया है और कैसा जन समर्थन मिल रहा है आपको? जन समर्थन आप देख रहे हैं, अपार जन समर्थन है। जो हमने 5% विकास का कार्य किए हैं जिला परिषद के माध्यम से, देखने को मिल रहा है हमारे क्षेत्र के प्रत्येक गाँव वो कैसा गाँव बच गया। सारे गांव में कुछ न कुछ विकास हुआ है मेरे पंच द्वारा। जिला परिषद के माध्यम से अपने क्षेत्र में काफी विकास करने का हम काम किए। हर तरह का नदी हो, गली हो, कृषि हो, बाउंड्री वाल हो, सौदागिरी हो, सामुदायिक भवन हो, पुल पुलिया हो, छलका हो, चेक डैम हो, विभिन्न तरह के विकास हमने किया। अपील, अपील और अपील क्या करना चाहते हैं अपने जनता से? अपील जनता से कर रहे हैं कि हो सकता है कहीं और छूटा हुआ विकास हो, उसको हम सब इस बार पूरा करेंगे। पूरा हो जाएगा, बिल्कुल पूरा हो जाएगा। जो बच्चे